हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे किड केयर प्लस सिरप के बारे में। जानेंगे ये सिरप क्या है, किस चीज में यूज होता है, क्या बच्चे यूज कर सकते हैं, क्या बड़ों को भी यूज करना चाहिए इसको, तो इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, किड केयर प्लस सिरप ये मार्केट में आपको 179 रुपीज पर 200 ml आपको मिलता है। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में अगर देखा जाए, ये आपको मेयर ऑर्गेनिक के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। तो उसका बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। हालांकि इसकी बहुत सारे राइवल्स भी है, बहुत सारे इसी कंपोजिशन में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन यही प्रोडक्ट आपको ज़्यादातर मार्केट में मिलता है और यही ज़्यादातर चलता है। तो इसके अंदर में जो कंपोनेंट्स पाया जाता है, जैसे कि विटामिन ए, ई, डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लाइसिन, ये सारे चीज इसमें आपको मिलता है। और उसको छोड़ के आपको मिनरल भी इसके अंदर में मिलता है, जो कि मल्टी मिनरल्स होता है या मल्टी विटामिन की पूरा भरपूर परिमाण में इसके अंदर में पाया जाता है। जैसे कि मल्टी मिनरल के बारे में देखा जाए, जिंक आपको मिलता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नीडी चीज़ है। आयरन भी इसमें मिलता है, आयरन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैग्नीशियम भी आपको इसके अंदर मिलता है। यानी ये जो सिरप है किड केयर प्लस सिरप, इसके अंदर में आपको मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल की पूरी मात्रा आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी यूजेस के बारे में। यूजेस के बारे में देखा जाए तो ये एक प्रकार की हेल्थ सप्लीमेंट की तरह आपको काम करता है। यानी डाइटरी सप्लीमेंट की तरह ये आपके लिए काम करता है। यानी ये आपके बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा सिरप साबित हो सकता है। तो ये आपके शरीर में क्या क्या इफेक्ट देता है, तो ये सिरप जो होता है इसमें मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स होने के नाते ये आपके शरीर में जो आपके बच्चों की जिस टाइम ग्रोथ होता है, यानी जिस टाइम शरीर की ग्रोथ होता है या ब्रेन की डेवलपमेंट होता है, उसी समय ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी उसी समय आपके शरीर में हो रहा मिनरल की इनडेफिशियंसी या विटामिन की इनडेफिशियंसी, उसको ये भरपाई करने में आपको ज़्यादातर मदद करता है। तो देखा जाए बेसिकली एक एक पार्ट के बारे में अगर देखा जाए, ये आपके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट करवाता है और बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ को भी करवाता है, मेंटल डेवलपमेंट भी करवाता है और आपके बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो कि आपके बच्चे जो हेल्थ कंडीशन होता है, जो हेल्थ डिजीज होता है, जिससे आपको आपके बच्चे प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके बच्चों को जो भूख नहीं लगता है, यानी एपेटाइट स्टिमुलेटर भी है ये, तो आपके बच्चों को ज़्यादा भूख दिलाने में ये सिरप भी मदद कर सकता। उसके साथ साथ ये आपको अच्छी तरह से ऑरेंज फ्लेवर में भी मिल जाएगा, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा विटामिन की सोर्स आपके बच्चे के लिए हो सकता है, जो कि उनकी हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, यानी उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, तो इन सारे प्रॉब्लम में आपके बच्चों को ये हेल्प करता है। और आपके जो विटामिन आपके बच्चों को जो विटामिन वगैरह उनको रिक्वायर्ड रहता है, सारे विटामिन आपको फूड से तो नहीं मिल पाता है ना, लेकिन इस सिरप के माध्यम से आपके बच्चों को पूरी न्यूट्रिएंट्स, पूरी विटामिन या पूरी मिनरल्स आपको मिल सकता है। तो ये बेसिकली बच्चों में यूज होने वाला एक सिरप है, तो ज़्यादातर बच्चों में इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। देखा जाए डोजेस आपको आपके अगर इन्फेंट बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी ड्रॉप आता है, जो एक साल के अंदर इन्फेंट से लेकर एक साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनके लिए ड्रॉप भी आता है, आप उनके लिए ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। और जो एक साल से ज़्यादा है उनके लिए सिरप भी आता है, सिरप फॉर्म में आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो जो इन्फेंट है उनके लिए आप 2.5 ml करके भी आप उनको दे सकते हैं दिन में दो बार करके, या जो एक साल से जो बड़े हैं, एक साल से जो ज़्यादा बच्चे हैं उनको आप 5 ml करके दिन में दो बार आप दे सकते हैं अप टू 12 ईयर तक। तो ये कुछ उनकी डोजेस था। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे ये सिरप लेने से क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर में पाया जाता है, तो कुछ साइड इफेक्ट आपको हो सकता है और नहीं भी हो सकता है आपके बच्चों को। तो जनरली कुछ साइड इफेक्ट बारे में देखा जाए तो नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है और
कभी कभार कॉन्स्टिपेशन भी होने की चांसेस इसमें रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था किड्स केयर प्लस सिरप के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा या किड्स केयर सिरप के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।